के पीछे नहीं जाता कि यार इससे कुछ मुझे पैसे मिल जाए, ये मुझे मेरी टिकट कटवा के मुझे फॉरेन भेज देगा, या ये मेरी नौकरी लगवा देगा, वो इस तरह के उसके माइंड में नहीं होते। उसको पता है कि मैं भगवान पर आश्रित हूँ, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, और जो भगवान नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयाः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति साहा। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम 19 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं, और पिछला श्लोक जो था, जो हमने कल चर्चा की थी, जिस पर उस श्लोक में भगवान, वो पहला श्लोक था और आज का दूसरा श्लोक है। इन 5 श्लोकों में भगवान साइंस ऑफ कर्मा बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म करते हुए भी रिएक्शन नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा आर्ट है कि हम कर्म कर रहे हैं तब भी कर्म बंधन में नहीं फंस रहे। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर अभी इसकी साइंस बता रहे हैं। और पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि रिएक्शन क्यों नहीं आती, हम कर्म कर रहे हैं तब भी कर्म फल क्यों नहीं हमें बांध रहा। तो भगवान ने क्या कहा कि काम संकल्प वर्जिता यस्य सर्वे समारंभा, कि जब कोई कार्य शुरू करता है, कोई कर्म शुरू करता है, कर्म शुरू करने से पहले ही अगर उसका काम का संकल्प नहीं है, भोग करने का उद्देश्य नहीं है उस कर्म को करने का, उसका उद्देश्य ऐसा नहीं है, तो फिर उसको रिएक्शन नहीं आती। और इस श्लोक में, जो आज वाला श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कि त्याग कर कर्म फल से आसक्ति को, जैसा कि अर्जुन मैंने तुम्हें पिछले श्लोक में बताया। और फिर भगवान कह रहे हैं कि नित्य तृप्तो निराश रहा, कि कर्म फल से आसक्ति को त्याग कर और फिर नित्य तृप्त रहता है मेरा भक्त और निराश है और किसी का आश्रय नहीं लेता, केवल मेरे आश्रित ही रहता है। कर्मण्य भी अप्रवृत्तो अपि, और इस तरह से कर्म में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए भी नैव किंचित करोति सहा, तब भी उसको कोई कर्म का फल नहीं आता या उसको कर्म बंधन नहीं होता। पॉइंट ये है कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया अर्जुन को कि संकल्प कैसा होना चाहिए, काम संकल्प वर्जिता, कि हमारा भोग करना संकल्प नहीं होना चाहिए, सेवा का संकल्प होना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि और क्या क्या संकल्प होते हैं एक साधक के, मतलब किस, क्यों उसको कर्म की रिएक्शन नहीं आती, वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में क्यों नहीं फंसता। तो पहला आंसर तो पिछले श्लोक में था, इसलिए नहीं फंसता क्योंकि काम संकल्प वर्जिता, उसका संकल्प सेवा का संकल्प है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है और लोक कल्याण के लिए, जिससे पूरे संसार को कल्याण हो, तो इस तरह से उसका उद्देश्य ही कुछ और होता है, इसलिए उसको रिएक्शन नहीं आती। और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि और उसका और क्या क्या संकल्प है, उसका संकल्प है कि नित्य तृप्तो, उसका संकल्प है कि कृष्ण भगवान सदैव संतुष्ट कैसे रहें मेरे द्वारा, मैं उनके लिए ऐसा क्या करूं कि वो हमेशा संतुष्ट रहें। और जब वो भगवान के तृप्त होने का सोचता है तो वो खुद भी नित्य तृप्त हो, हमेशा खुद भी सदैव तृप्त फील करता है, फुली सेटिस्फाइड फील करता है अपने हृदय में। ये उसको ये ट्रिक पता है कि किस तरह से फुली सेटिस्फाइड रहना है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। उसको ये पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, क्या विश्वास है, कि कृष्ण कर्म कैला, कि भगवान कृष्ण के लिए अगर मैं कर्म करूँगा तो सर्व कर्म कृत है, तो सारे कर्म अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे कहने का अर्थ है कि वो भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करना तो कर्म बंधन करेगा, हमें भगवान के लिए कर्म करना है। अब भगवान के लिए कर्म कैसे करना है, हमें भगवान के लिए कर्म ऐसे करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो प्रैक्टिकल अगर हम आंसर समझें, तो भगवान के लिए कर्म ऐसे करना है कि हम जो भी अपना जॉब बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं उसमें से हमें जो भी मिलता है वो हम अपने जीने के लिए उतना यूज़ करें जितना जीने के लिए ज़रूरत है, और बाकी हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं, प्रचार में लगाएं, कुछ इमरजेंसी के लिए रखें, जैसे श्री रूप गोस्वामी ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है 50% भगवान की सेवा में लगाएं, 25% अपने
खाने पीने के लिए और 25% इमरजेंसी के लिए। लेकिन वो चलो नहीं हो सकता, आज के लोग, आजकल के ज़माने के लोग कहाँ कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि एटलीस्ट 10% तो हमें पर मंथ भगवान को देना ही चाहिए, तभी तो फिर हम भगवान के लिए कर्म हमारा थोड़ा सा कहलाएगा। वैसे तो हमारा जॉब बिजनेस कोई भगवान के लिए करनी है, वो तो हमारा अपने पेट पालने के लिए कर्म है, लेकिन भगवान उसको इनडायरेक्टली हमारे उस कर्म को अपनी सेवा के रूप में स्वीकार कर लेंगे, अगर हम उस से जो फल आ रहा है, जो फल आ रहा है उस फल को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हमारा कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। तो ये पॉइंट है, नित्य तृप्त हो, हमेशा भगवान के लिए कर्म करके भगवान को तृप्त करता है, इसलिए वो हमेशा नित्य तृप्त रहता। तो उसका संकल्प भगवान को हमेशा खुश करना होता है, और उसका क्या संकल्प होता है, निराश्रय, उसका संकल्प होता है कि मैं केवल भगवान की ही शरण में रहूँगा और किसी की शरण में नहीं रहूँगा, केवल भगवान ही मेरे सब कुछ है, आमी तो तोमार तुम्हें तो हमार, वो इस तरह से रहता है। मत और उसको पता है कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, गीता में भगवान कह रहे हैं ना सातवें अध्याय में कि मेरे से ऊपर और कोई नहीं अर्जुन, तो इसलिए उसको पता है कि भगवान टॉप मोस्ट है, मैंने जिसकी शरण दी है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसलिए वो निराश्रय, वो और किसी का आश्रय नहीं लेता, किसी की अपेक्षा नहीं करता, वो दूसरों के पीछे नहीं जाता कि यार इससे कुछ मुझे पैसे मिल जाए, ये मुझे मेरी टिकट कटवा के मुझे फ़ौरन भेज देगा, या ये मुझे मेरी नौकरी लगवा देगा, वो इस तरह के उसके माइंड में नहीं होते, उसको पता है कि मैं भगवान पर आश्रित हूँ, भगवान जो चाहेंगे वही होगा और जो भगवान नहीं चाहेंगे वो नहीं हो सकता, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। और फिर कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि, और इस तरह से कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी, वह करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, नैव किंचित करोति सः, ये यहाँ पर आर्ट है। अब अगर हम इस आर्ट को समझ लें, हाउ टू वर्क इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस आर्ट को अगर हम समझ लें तो फिर हम भी भगवान की तरह ही कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ये यहाँ पर साइंस ऑफ कर्मा बता रहे हैं इन 5 श्लोकों में, ये दूसरा श्लोक था, अब बाकी हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की